जय हिंद आप सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या होती है हमारी कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी, इसे किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है, ये काम किस तरीके से करती है और इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है एक सर्वर पे या एक वेबसाइट के ऊपर। तो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही, इसका कोई भी हम मिसयूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं मेरे सिस्टम पे होस्ट एक सर्वर या फिर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं टेस्टिंग करूँगा, आप लोग भी जिस वेबसाइट पे टेस्टिंग करना उसकी परमिशन सबसे पहले ले लेना। तो आइए देखते हैं ये वल्नरेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, ये वेबसाइट मेरे सर्वर पे होस्ट है, ठीक है, मेरे खुद के सिस्टम पे होस्ट है। यहाँ पे हम इस वल्नरेबिलिटी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आप लोगों को ना वेबसाइट को देखना जरूरी है कि वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है, वेबसाइट के अंदर क्या फंक्शन है, वो चीज़ें आप लोग को देखनी जरूरी है। और हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कमांड इंजेक्शन एक ऐसे वल्नरेबिलिटी है जिसके जरिए आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर कुछ लिनक्स के कमांड या फिर हम कह सकते हैं सिस्टम के कमांड्स को रन करा सकते हैं, जिससे कि जो वेबसाइट है उस तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। यहाँ पे पूरी वेबसाइट को डिलीट किया जा सकता है, इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। पूरी वेबसाइट को डिलीट किया जा सकता है प्रिविलेज एस्केलेशन करके, फाइल्स को देख सकते हैं हम, सेंसिटिव फाइल्स को देख सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, पूरे के पूरे सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसे हम देखते हैं किस तरीके से ये काम करती है। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DVWA यानी डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन का यूज़ में ले रहा हूँ। आप लोग ना सेम हम यहाँ पे अपना सिर्फ लॉजिक बिल्ड करेंगे किस तरीके से यहाँ पे वेबसाइट को हैक किया जाता है या फिर वेबसाइट के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड की जाती है कमांड इंजेक्शन वाली, वो सारी चीज़ों का हम सिर्फ यहाँ पे अपना जो है लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाया, तो इसमें ना हमारे कुछ सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं जैसे लो, मीडियम और हाई। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लो वाली जो रिस्क होगी या फिर सिक्योरिटी होगी इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे कमांड इंजेक्शन। उसके बाद हम मीडियम पे जाएंगे, फिर हम हाई पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इसे सुरक्षित किया जाता है, हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, वेबसाइट क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस वेबसाइट के अंदर लिखा हुआ पिंग फॉर फ्री, ओके, इंटर एन IP एड्रेस बिलो। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक IP एड्रेस दो यहाँ पे, ठीक है, ये पिंग करेगा उसे, ऐसा कुछ यहाँ पे है। तो एक काम करता है, हम एक IP एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, मैं अपने मशीन की IP एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, मतलब जिस भी सिस्टम पे हम यहाँ पे स्कैनिंग करें हम उसके IP एड्रेस दे देंगे, या फिर एक काम करते हैं हम इसे हटा देते हैं क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं हम किसी वेबसाइट की IP एड्रेस दे देते हैं, ठीक है, या फिर किसी वेबसाइट का डोमेन दे देते हैं जिसे हमें पिंग करना है। ओके, चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं testphpvulnweb.com। ठीक है, हम ये लिखते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं हमें रिस्पॉन्स क्या आता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, मतलब इसकी जो फंक्शन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करी है इस वेबसाइट के अंदर कि जब भी हम कोई भी वेबसाइट या फिर किसी IP पे हम यहाँ पे पिंग करेंगे, मतलब उसको हम पिंग करेंगे कि वो वेबसाइट यहाँ पे वर्किंग है, लाइव है या नहीं, या फिर जो IP हमने दिया है वो लाइव है कि नहीं, ये चीज़ें करने का काम हम पिंग के ज़रिए करते हैं। सेम वही चीज़ें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पिंग हम अपने लिनक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अपने विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनमें हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपल सी वेबसाइट को हमने देख लिया कि हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे, जो भी डोमेन या फिर जो भी IP वो यहाँ पे ये हमें पिंग करके बता देगा कि वो लाइव होस्ट है, जो होस्ट है वो लाइव है कि नहीं या फिर वो बंद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बता देगा। तो हम इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, बैकएंड में क्या चीज़ें हुई, हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो जितनी भी वेबसाइट होती है वो एक सिस्टम या फिर एक सर्वर पे होस्टेड होती है। ठीक है, जो कि हमारी एक सिस्टम होती है। ठीक है, जैसे कि वो हमारी सिस्टम हो सकती है कि लिनक्स सिस्टम हो सकती है या फिर हमारी एक विंडोज़ सिस्टम हो सकती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ इस तरीके की सिस्टम पर हमारी वेबसाइट होस्ट होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या चीज़ें की जा रही है बैकएंड के अंदर, मैं इसे आप लोगों को क्लियर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जिस भी वेबसाइट के हमने IP एड्रेस या फिर हमने जिस भी वेबसाइट का डोमेन दिया वो ये पिंग करके हमें बता रहा है कि वो जो होस्ट है वो लाइव है कि नहीं, तो ये चीज़ें कर रहा है। तो ये सेम काम अपने लिनक्स के अंदर कर सकते हैं, सेम काम अपने विंडोज़ के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है वेबसाइट यहाँ पर ये भी होस्ट है किसी OS पे, यानी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होस्ट है, जैसे कि ये अभी मेरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होस्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं LS लिखूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स को रन करा सकता हूँ, यानी ये सर्वर है और इसी सर्वर के ऊपर जो हमारा वेबसाइट है ये चल रहा है। तो सेम
जो यहाँ पे हमने किया वो काम अगर हमने यहाँ पे अपने सर्वर पे करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। हम लिखेंगे पिंग और उस वेबसाइट का नेम देंगे, ठीक है, जिस भी हमें वेबसाइट को चेक करना है कि वो लाइव है कि नहीं, या फिर जिस वाली आईपी को चेक करना है वो लाइव है कि नहीं, वो हम यहाँ पे देंगे पिंग लिख के और इंटर करेंगे तो सेम हमें रिस्पॉन्स देखने मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आएगा। हम कंट्रोल प्लस सी से इसे स्टॉप करते हैं, ठीक है, और यही सेम काम अपने विंडोज़ में भी कर सकते हैं हम। अगर हम अपने विंडोज़ में स्टार्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे टाइप करें cmd, तो cmd के अंदर भी एक कमांड है हमारे पास पिंग, जिसके ज़रिए आप लोग चेक कर सकते हैं कोई होस्ट यहाँ पे ऑनलाइन है या नहीं, या फिर उस होस्ट जो है वो लाइव है कि नहीं, ये चीज़ें आप लोग इसके ज़रिए भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यही सेम जो है हमें वेबसाइट में भी दिया था, सेम यही जो चीज़ें हैं सेम रिस्पॉन्स हमें वेबसाइट में भी दिया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब भी हम कोई डोमेन या फिर आईपी को इंटर करते हैं वो इसके सर्वर पे कहीं एक सर्वर पे जाके इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले यहाँ पे पिंग लिख के आएगा और बाद में जो आपने डोमेन दिया वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम की जा रही है वेबसाइट की, ठीक है। मतलब आप लोगों को सिर्फ एक आईपी देनी है या फिर एक डोमेन देना है और वो बैक एंड के अंदर वो इस चीज़ को ना एक कमांड के ज़रिए रन करेगा और फिर आपको रिस्पांस लाके देगा। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हम इसका एक काम करते हैं, सोर्स कोड देखते हैं, क्योंकि हमारी टेस्टिंग वेबसाइट है, ठीक है। लाइव वेबसाइट में आप लोग को यहाँ पे सोर्स कोड देखने नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वेबसाइट काम कर रही है। मैं आप लोग का लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सेम अगर आप लोग का ये लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तो आप लोग समझ जाए कि लाइव वेबसाइट में भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर हम इसका बैक एंड का सोर्स कोड देखेंगे। टेंशन मत लेना, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना PHP स्क्रिप्ट का यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। PHP की कोड है जहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें कि जब हम IP सबमिट करेंगे, ठीक है, या फिर हम कुछ भी यहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो ना एक कमांड यानी cmd यहाँ पे देखिएगा आप लोग, डिटरमाइंड OS एग्जीक्यूट द पिंग कमांड, यानी कि आप लोग देख सकते कमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि OS के अंदर, ठीक है, एक OS होगा, जैसे कि विंडोज़ हो सकता है या फिर हमारी लिनक्स हो सकती है, ऐसी जो चीज़ें हो सकती है उसके अंदर ना हमें कमांड रन कराएगा ये हमारा। देख सकते हैं कमांड जो होगा हमारा पिंग होगा और जो हमने चीज़ें दी हैं, जो हमने आईपी दिया है वो हमारी उसके बाद में लग जाएगी। तो अपने आप पिंग कमांड और जो भी हमने यहाँ पे किया है सब अपने आप हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिंग यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, फिर जो हमने चीज़ें ऐड की वो टारगेट के अंदर ऐड हो जाएगी और वो हमें रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से करेगा। तो यही कुछ उसका बैकेंड में चीज़ें हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ अलग से कमांड को रन करना है जिससे ना हम और भी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे नॉर्मली कर रहे हैं तो हम वेबसाइट को पिंग कर पा रहे हैं। क्या हो कि वेबसाइट को पिंग करने के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी कर सकें, जैसे वेबसाइट्स की फ़ाइल को देख लें तो यहाँ पे ना सारे OS जितने भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं सबके अंदर ना कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स होते हैं जो कि यहाँ पे किसी चीज़ को सेपरेट करने का काम करते हैं या फिर उनको साथ में रन कराने का काम करते हैं। जैसे कि लिनक्स के अंदर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, मैं आप लोग को लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एंड ये हमारे एक ऑपरेटर होता है जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे दो चीज़ों को एक साथ रन करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूँ APT अपडेट, आप लोग ने कई बार देखा होगा APT अपडेट और APT अपग्रेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ में लिया लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को एक साथ रन करा सकते हैं, यानी इसको रन करो और फिर इसको रन करो। एंड का काम हमारा कर रहा है और यानी दोनों को रन करना है, एक एक करके करो चाहे एक साथ कर दो, बस हमने इसे ही बता दिया, ओके। तो लेकिन ये एक एक करके करेगा, जो पहले लिखा होगा ये उससे पहले रन करेगा, फिर दूसरा दूसरे वाले को रन करेगा। हमने एंड करके बता दिया कि दोनों को रन करना है, अब तुम करो उसे रन, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारा लिनक्स के अंदर भी होता है, ठीक है, सॉरी विंडोज़ के अंदर भी होता है। अगर आप लोग यहाँ पे एंड लिखेंगे तो आप लोग ना दो कमांड्स को एक साथ रन करा सकते हैं। सेम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपने विंडोज़ cmd में, अभी देखना हमारे पास एक कमांड था, ठीक है। चलिए एक कमांड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि हमारे विंडोज़ के अंदर है, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, ये हमारे पास एक कमांड है। अब एक काम करते हैं, हम आईपी कॉन्फ़िग के साथ साथ एक और कमांड रन कराते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि दूसरी वाली कमांड क्या है। दूसरी वाली कमांड है हमारे पास dir, जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ विंडोज़ में जो फाइल्स हैं उनकी लिस्ट को देख सकते हैं, हमारे सिस्टम पे जो होस्टेड फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। dir कमांड हमारे विंडोज़ के अंदर होगा, ls कमांड हमारे लिनक्स के अंदर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आप लोगों को बस थोड़ी बहुत कमांड्स आनी चाहिए और आप लोग यहाँ पे कमांड इंजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले अपना लॉजिक देख लेना है, लॉजिक बिल्ड करना है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है वो चेक कर लेना है, कमांड कुछ आने चाहिए, फिर अब हम देखते हैं इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं dir करूँगा और इंटर करूँगा, आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे जितने भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। तो अब मैं ना
मैंने एक एक करके रन कराया, पहले मैंने DIL लिखा, फिर मैंने IP config लिखा। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों को रन कराते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे एंड ऑपरेटर का, जिसके ज़रिए हम दोनों को यहाँ पे रन करा सकेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा IP config, ये हमारे विंडोज़ में IP config होती है और लिनक्स के अंदर IF config होती है, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने सिस्टम के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे IP config और फिर मैंने यहाँ पे एंड दो टाइप लगा दिया, ठीक है, दो टाइम मैंने यहाँ पे एंड लिख दिया। और फिर मैं अब आगे यहाँ पे लिख दूंगा DIR। अभी देखना ये दोनों कमांड यहाँ पे रन हो जाए, क्योंकि हमने बताया इसे रन करो और इसे रन करो, तो हमने इसे ये बताया। अब मैं इंटर करूँगा, देख लेना हमारी दोनों की दोनों कमांड यहाँ पे रन हो चुकी है। देखिएगा सबसे ऊपर हमारी जो IP config है, क्योंकि हमने इसे पहले लिखा था, वो रन हो गई है, और दूसरा जो DIR कमांड है वो हमारा रन हो गया। तो एंड ऑपरेटर होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, जो कि काम करता है दो कमांड्स को एक साथ रन कराने का, ऐसा चीज़ें हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बैकएंड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वही सेम चीज़ें करेंगे, ठीक है। कमांड इंजेक्शन में यही सेम चीज़ें होती हैं, आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें फाइंड करनी होती है जहाँ पर आप लोग कुछ इंटर कर सकें और जो जाके कहीं सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रही है। सेम आप लोग को वही चीज़ें करनी है, यहाँ पर ऐसी चीज़ों को फाइंड करना है, ऐसे जगह को फाइंड कर लेना है जहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें डालते हैं और उसका आउटपुट आप लोग को लिनक्स के ज़रिए मिलता है या फिर किसी OS के ज़रिए मिलता है। तो सेम हम ऐसा ही चीज़ करेंगे यहाँ पे। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और आप लोग को ना वीडियो में मज़ा आ रहा है, तो एक काम कीजिए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दी होगी आप लोग को WhatsApp की, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी ना फ्री वेबिनार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ्री वेबिनार्स कराते हैं, जिसके अंदर हम आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी हुई हमारी व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हम आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे किस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप फिर अगर आप कोई भी यहाँ पे करियर गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी हम आपको कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल से एक डोमेन देते हैं, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर है एंड मैं उसे यहाँ पे देता हूँ। और उसके बाद ना सेम हम काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए इसका रिस्पांस क्या है, नॉर्मल रिस्पांस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल को भी शो कराना है। एक काम करते हैं, हम LS कर देते हैं। हो सकता है कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे किसी और सर्वर पे मतलब चीज़ें कमांड को रन करा रही होगी, या फिर हो सकता है सेम उसी सर्वर पे, जैसे कि विंडोज़ का सर्वर हो सकता है या फिर लिनक्स का सर्वर हो सकता है। या आप लोग को दोनों एक एक करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको कन्फर्म है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो फिर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिंग कमांड का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिएगा हमारे विंडोज़ के अंदर ना आप लोग को सिर्फ चार बार यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी और पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चार बार रिक्वेस्ट जाएगी पिंग कमांड के अंदर, आप लोग लिखेंगे सिर्फ सिंपल से पिंग, ठीक है। देखिएगा सिंपल से हम यहाँ पे पिंग लिखेंगे testphpvulnerable.com, और अब हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सिर्फ चार रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती। लिनक्स के अंदर यहाँ पे ना रिक्वेस्ट तब तक जाती रहेगी जब तक आप लोग उसे रोकेंगे नहीं। तो हमें ना सेम आप लोग यहाँ पे किसी कोड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना लिनक्स के अंदर C3 यानी तीन जो हैं यहाँ पे तीन बार रिक्वेस्ट आएंगी। तो हमें यहाँ पे तीन बार रिक्वेस्ट देखने मिली, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हमने कमांड रन किया वो एक लिनक्स सर्वर पे रन हुआ, ठीक है। तो सेम हम करेंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ में लेके LS करेंगे, क्योंकि लिनक्स के अंदर हम LS से पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं इतना करूँगा, सबमिट करूँगा। अभी देखना यहाँ पे जो है हमें कुछ रिस्पांस देखने मिल गया। देखिएगा सबसे ऊपर हमें जो है पिंग के बारे में बताया गया, और नीचे हमें जो फाइल्स हैं इस वेबसाइट के ऊपर जितने फाइल होस्ट हैं उनके बारे में बता दिया गया, फिर वो हमें यहाँ पे शो हो गई हैं, ठीक है। इसके ज़रिए अटैकर काफ़ी कुछ चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, और ठीक है ये हमने जो किया ये हमारी सबसे लो, ठीक है, लो सिक्योरिटी में था। अब हम इसे थोड़ा सा मीडियम पे करते हैं और फिर से चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है। अभी हमने लो पे किया तो हमारा इजीली हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा सा मीडियम लेवल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो लो वाली आप लोग को लगभग सारी वेबसाइट में तो देखने नहीं मिलेगा, मतलब बहुत कम वेबसाइट में आप लोग को देखने मिलेगा लो सिक्योरिटी वाली, क्योंकि सभी लोग को यहाँ पे पता है ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है, तो वो इसे बचा के रखते हैं। लेकिन मीडियम वाली देखना आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम कमांड हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे भी जो है शायद पिंग का ही कमांड सेम यूज़ में लिया जाए, ठीक है। ये भी हमारी एक लिनक्स के ऊपर ही, ठीक है, रन हुई है। तो एक काम करते हैं, फिर से हम यहाँ पे सेम कमांड डाल के देखते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज़ में लेके LS लिखते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, ठीक है, हमारी कमांड तो यहाँ पे रन नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ना फिल्टर कुछ लगी हुई, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है। हमें उसी को यहाँ पे देखना है, या फिर हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे एनालाइज करना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है।
तो एक काम करते हैं, हमारे पास पूरी सोर्स कोड है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे बैक एंड में हुआ क्या है। ध्यान से देखिएगा, मैं इस सोर्स कोड को ओपन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वही सेम हमारा कमांड है कि हमें रन हो जाएगी, लेकिन बीच में आप लोगों को ना कुछ अलग से कोड देखने मिल जाएगा, रिमूव एनी कैरेक्टर इन द एरे, ठीक है। तो एरे अंदर, ठीक है, ये जो एरे के अंदर ये कैरेक्टर है जिसको रिमूव करके एक खाली चीज़ बना दिया जा रहा है, सेम इसको भी करने, ठीक है। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप लोग मल्टीपल कमांड्स को यहाँ पे रन करा सकते हैं। एंड और ये हमारा सेमी कॉलन, इन दोनों को यहाँ पे ना कुछ गायब कर दिया गया, यानी कि जो भी हम कमांड में या फिर हम जो भी यहाँ पे इंटर करेंगे उसके अंदर अगर हमने एंड लगाया है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, या फिर हमारा जो सेमी कॉलन है वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर मैं सेमी कॉलन लगा के दिखाऊँ तो भी शायद यहाँ पे चीज़ें काम नहीं करेगी। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए, ये भी यहाँ पे काम नहीं हुई है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसका काम यहाँ पे होता है ना एक ही कमांड को रन करना, मतलब अभी मैंने आप लोग एंड दिखाया जिससे दोनों कमांड को रन करेगा एक एक करके, ठीक है। लेकिन एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसका नाम है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सिंपल से पाइप, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट बटन के ऊपर इस स्विच को देख पाएंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पाइप। ये जो ऑपरेटर, ये क्या काम करता है कि अगर, ठीक है, मल्टीपल कमांड्स को तो एक साथ रन करा सकता है, मतलब एक कमांड के जरिए किसी और कमांड को रन करा सकता है, ये चीज़ें भी ये कर सकता है। या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसे रन कराओ या इसे रन कराओ, ऐसी चीज़ें, जैसे APT और आपने बीच में पाइप लगा दिया तो आप लोग कह रहे हैं APT अपडेट रन कराओ या फिर APT अपग्रेड रन कराओ। तो ये चीज़ें ना हमारा पाइप ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे इस बार ना एंड की जगह पे या फिर सेमी कॉलन की जगह पे हम यहाँ पे डाल देंगे पाइप, ठीक है। चलिए, एक सिंपल से हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और अपनी जो पाइप है इसे यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, और फिर जैसे हम सबमिट करेंगे शायद हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे काम हुआ कि नहीं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने पिंग नहीं किया, लेकिन जो हमारी आगे की जो कमांड है LS उसे यहाँ पे रन करा दिया और हमें शो हो चुकी है यहाँ पे कुछ फाइल्स, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, कि आप लोग को अगर कमांड ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट के अंदर ना आप लोग को सेम चीज़ें देखने नहीं मिलेगी, आप लोगों को किसी किसी वेबसाइट में सेम चीज़ देखने मिलेगी, सभी वेबसाइट के लिए आप लोग को अलग से यहाँ पे कमांड्स को डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे सर्च कर लेना है गूगल पे, क्या सर्च करना है, कमांड इंजेक्शन पेलोड्स, ठीक है, कमांड इंजेक्शन के पेलोड्स आप लोग को देखने मिल जाएंगे यहाँ पे गूगल्स पे। जाइएगा, इस वाली लिंक को ओपन कीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक्स, यानी ये लिनक्स के लिए जो कमांड्स है ये हैं, और नीचे हम देख सकते हैं विंडोज़ के लिए। ओके, तो इन सब को हम यहाँ पे रन करा सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोग को एक और रन करा के, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ से ना इस वाली को रन करते हैं, ठीक है, चलिए इस वाली को रन करते हैं, पाइप के बाद ये चीज़ें, ठीक है। तो हम इसे सबमिट करते हैं, अब देखते हैं हमें क्या देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रिस्पांस क्या आता है हम वो देखते हैं। ओके, तो रिस्पांस में हमें ID देखने मिल गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग ना सभी पेलोड्स को एक एक करके रन करा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे सभी को एक साथ भी रन करा सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं बब सूट का हेल्प लेके, ठीक है, और फिर ये चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं ना, हम चलते हैं हमारी थोड़ी सी हाई सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं अभी थोड़ा हमारी लास्ट वाली जो है सिक्योरिटी हाई वाली पे चल जाते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यही जो हमारी है, ठीक है, इसी के ज़रिए हम यहाँ पे ना अपने जो सिस्टम है या फिर हम कह सकते हैं अपनी जो वेबसाइट है उसे हम बचा सकते हैं कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के ज़रिए, क्योंकि अब यहाँ पे ना मैं कोई भी कमांड लगा दूँ मेरा यहाँ पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो है हमारी हाई, हम कह सकते हैं इसे एकदम, यहाँ पे ना पिछली बार क्या हुआ था, कुछ जो हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे उनको यहाँ पे फ़िल्टर किया जा रहा था। लेकिन अगर आप लोग अभी इसका कोई सोर्स कोड देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक बार रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ, testphpvulnerable.com, और ठीक है, अब मैं रन करा के दिखाता हूँ आप लोग को, सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते रन होता है कि नहीं। ओके, तो इसने बता दिया यू हैव इंटरनेट इनवैलिड IP, इसका मतलब है कि यहाँ पे ना जो भी हमने डाला है ये उस चीज़ों को एकदम अच्छे से चेक कर रहा है। पिछली बार वहाँ पे थोड़ी सी फ़िल्टर लग गई थी कि जब हम एंड या फिर सेमी कॉलन डालें वहाँ पे उन्हें हटा दिया जाए, लेकिन इस बार ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, यहाँ पे ना कुछ ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म दे दिया गया है जिसे बाईपास करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ IP को यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि आप लोग जब कुछ भी डालें यहाँ पे इनपुट फील्ड में तो वो सिर्फ IP हो, IP के अलावा कुछ भी डालें तो आप लोग को यहाँ पे शो करा दे यू हैव इंटरनेट इनवैलिड IP, ऐसा कुछ आप लोग को शो करा दे। तो इस तरीके से आप लोग ना अपनी वेबसाइट को बचा सकते हैं
ये तरीका लगा के, ठीक है, सब कुछ आप लोग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वेबिनार्स ज्वाइन करनी होगी या फिर कोई डाउट होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी लोगों को।